वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वेरी गुड मॉर्निंग, सो वेरी गुड मॉर्निंग रंजीत कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग सैतन राय गुप्ता जी, वेरी गुड मॉर्निंग इंदु जी, वेरी गुड मॉर्निंग शारदा सोलंकी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एनालॉजी का बहुत बेहतरीन सेशन करेंगे। डेफिनेटली लास्ट क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज भी कुछ शानदार क्वेश्चन आपके लिए इस सेशन में है। सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के बहुत शानदार सेशन के लिए? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें डियर। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पे 12 प्लस सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए? एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, यस वी आर रेडी, है ना। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए डियर, फटाफट से लाइव चैट में जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड फॉर द टुडे सेशन? वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, आर के पासवान जी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग तैयार हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट सुनाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फटाफट से। चलिए, तो यहां पर रंजीत जी ने आंसर दे दिया है, सैतन राय गुप्ता जी ने आंसर दे दिया, आर के पासवान जी ने, इंदु जी ने, सुमन सिरोही वेरी गुड मॉर्निंग, रंजीत जी का भी आंसर आ चुका है। कई लोग यहां पर ए बी, ए सी और डी के बीच में कंफ्यूज हैं, है ना। शारदा सोलंकी मैम भी ए कह रहे हैं, वेरी नाइस। चेक करते हैं डियर, देखो यहां पर 3 को 7 लिखा है, 5 को 23 लिखा है, सो वैसे ही टाइप का रिलेशन इन 6-4 में से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डियर आपको? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से नोटिस करूं सो बताओ जरा सिंपल सा क्वेश्चन। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 100% मतलब फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरा दूसरा नंबर निकल आएगा। लॉजिक कहता है पहले नंबर के स्क्वायर में 2 घटाओगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर डियर 25 होता है, और 25 में अगर 2 घटाएंगे तो 100% मेरा 23 बनेगा। तो जो इसमें लॉजिक है वैसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में है? यस, ए ऑप्शन में दिख रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2, 100% मेरा 34 बनेगा। सो यस, बी ए इज अ करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। संजू जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन है, और ए आंसर इस क्वेश्चन सबसे पहले दिया था सैतन राय गुप्ता जी ने। सो यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर राय गुप्ता जी की तरफ से आया, उसके बाद कई बच्चों ने सही आंसर दिया, जैसे सैतन राय गुप्ता जी, आर के पासवान, इंदु, सुमन, शारदा, वेरी नाइस डियर, बहुत बढ़िया डियर, एंड संजू, बहुत बढ़िया डियर। सो विशाल कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शानदार सेशन में। चलो सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अविनाश कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से आंसर बनाइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। टाइमर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से ट्राई करो। रंजीत जी आंसर देने के बाद लॉजिक भी बताया करो, ठीक है रंजीत जी, बस आंसर से मतलब नहीं होगा, लॉजिक के साथ बताइए अगर आप सबसे पहले दे रहे हैं तो, है ना। चलिए, इंदु जी, सुमन सिरोही, अविनाश, शैतन राय गुप्ता, ओके सो कई बच्चों ने आंसर दिया है, ओके चेक करते हैं कि ए सही है कि डी सही है। वेरी गुड मॉर्निंग पार्वती सोलंकी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शानदार सेशन में। सो ध्यान से नोटिस करो, देखो 7 को 50 लिखा है, 15 को 226 लिखा है, सो अगर आपको स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन बड़ा बहुत आसान हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर मैं सेकेंड नंबर 1 जोड़ दूं तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा, दैट इज अ लॉजिक। सो यहां पर पहला नंबर 7 है, 7 के स्क्वायर में अगर 1 जोड़ूंगा तो मेरा 50 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐसे 15 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़ूंगा
सो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 225 में अगर एक जोड़ा जाएगा सो 226 बनेगा। सो यस यहां पर मैच कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। कौन सा ऑप्शन है? यस डी इज अ करेक्ट आंसर। यस देखो 17 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ोगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और अगर उसमें एक जोड़ा जाएगा तो 290 बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन, डी वॉज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग हौसला प्रसाद जी। सो बिल्कुल डी इज अ करेक्ट आंसर और इस आंसर को सबसे पहले दिया है यस अविनाश कुमार जी ने। यस इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर जो दिया है वो अविनाश कुमार ने दिया। बहुत बढ़िया दिया। सो आई होप सारे बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। गॉट इट डियर ऑल। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस संजू जी, विशाल, हौसला, आर के पासवान, सुमन सिरोही, अविनाश, शारदा, पार्वती मैम, इंदु जी, सुमन सिरोही, अविनाश, चेतन राय गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन फटाफट से आंसर दो, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन करता है डिया। सो फटाफट से क्रैक कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डिया, फटाफट से ट्राई करें। सो जल्दी जल्दी ट्राई भी करें और फटाफट से सही आंसर भी दें। सो रंजीत जी का आंसर आ चुका है। रंजीत जी कह रहे हैं 23 मतलब बी ऑप्शन। विशाल जी डी कह रहे हैं, शारदा जी सी कह रही हैं। चलो चेक कर लेते हैं किसका आंसर सही है डियर। फटाफट से बाकी लोग भी आंसर दीजिए, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें और सभी लोग एक बार सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए तो यहाँ विशाल, शारदा, सैतन, संजू है ना, इतने लोगों के आंसर आ गए। अब यहाँ पर सी सही है कि डी सही है चेक करना पड़ेगा डियर। अगर डी सही हुआ तो विशाल, अगर सी सही हुआ तो शारदा, ये दो बच्चों के आंसर सबसे पहले मिले हैं है ना। चलिए तो चेक करते हैं डियर, अगर बी सही हुआ 23 सही हुआ तो रंजीत जी। चलो सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल यस। अगर हम ध्यान से नोटिस करें सो 4545541 को 19 लिखा है, मतलब 4+5 9, 9+5 14, 14+4 18 और +1 19, मतलब सारी डिजिट्स का जोड़ करके यहां पर लिखा है। ऐसे 2, 5, 1, 4 के साथ भी करेंगे। सो 2+5+1+4+0, सो 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8+4 12, तो इनको जोड़ने पर 12 आएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस और सी आंसर सबसे पहले दिया है शारदा सोलंकी मैम ने। बहुत बढ़िया डियर शारदा, बहुत ही बेहतरीन। सो आई होप सारे बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। गॉट इट डियर ऑल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, बहुत ही शानदार। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन करता है डियर। सो फटाफट से जल्दी से आंसर करो डियर। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू कीप वॉचिंग। डेफिनेटली यू विल गॉट अ बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर इफ यू कंटिन्यू द सेम थिंग है ना। चलिए सो यहां पे आर के पासवान, अविनाश, रंजीत, विशाल, शारदा, पार्वती एंड सैतन है ना, रंजीत, इतने लोग के आंसर्स आ चुके हैं। अगर डी सही हुआ तो आर के पासवान जी का सबसे पहले आंसर आया है। सो चेक करते हैं। वैसे डी इज अ करेक्ट आंसर और इस क्वेश्चन को सबसे पहले दिया है आर के पासवान जी ने। वेरी नाइस आर के पासवान जी, यस इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया है आर के पासवान जी ने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम मुर्गे की बात करते हैं और चिक की बात करते हैं सो मुर्गा हमारा एक एडल्ट नेम है, एक एडल्ट नेम है और ये उसका चाइल्ड नेम है ना। एडल्ट नेम और चाइल्ड नेम, यही कनेक्शन है एडल्ट नेम और चाइल्ड नेम। सो गाय एक एडल्ट नेम है, एक बड़ी चीज का नाम है और उससे जो एक उसका बच्चा होता है उसे हम लोग बछड़ा कहते हैं। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, डी वाज़ द करेक्ट आंसर है ना। वैसे आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है ना, कमेंट बॉक्स पे आपको मुझे बताना है ये जो 3 ऑप्शन बाकी लिखे हैं ये किनके बच्चों के नाम है। आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है डियर, ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। सो आपको एनिमल और उनके चाइल्ड नेम पता होना चाहिए है ना, क्लियर। मेल और फीमेल का भी क्लियरिटी होनी चाहिए है ना। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आंसर कमेंट बॉक्स पे चाहिए डियर क्लास कंप्लीट होने के बाद। आरके जी ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए सो आगे बढ़ते हैं डियर। क्विज का पहला क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बहुत प्यारा है ना। सो वैसे ही क्विज में मैं दे रहा हूं है ना, बिल्कुल दे रहा हूं और मुझे ये मालूम है कि आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और पक्का इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है ना। सो पक्का आंसर देना डियर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर करो डियर जल्दी से।
चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करो, और एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दो डिया जल्दी जल्दी। सो रंजीत जी, सैतन राय गुप्ता जी, आर के पासवान, अविनाश, इंदु, हौसला, विशाल, प्लीज सेशन को बेटा लाइक कर दो। अनंत राम त्रिपाठी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इंदु जी, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए डियर जल्दी से। अनंत राम त्रिपाठी सर, आप भी सेशन को फटाफट से लाइक कर दो डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सो डी सही है कि सी सही है चेक करते हैं। संजू जी, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पार्वती सोलंकी, प्लीज सेशन को लाइक कर देना डियर। चलो चेक करते हैं कितने लोग के आंसर सही होते हैं डियर, चेक करते हैं डियर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सो डीके को हमने यहां पर एलएस लिखा है ना, और फिर एफएम को क्या लिखेंगे। सो अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, जैसे इसकी 4 होती है और इसकी 11 होती है, और इसका प्लेस वैल्यू 12 और इसका 19, ध्यान से देखो, 8 4 12 11 और 8 19, तो सिंपल प्लस 8 हुआ है। तो अगर हम एफ का 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 मतलब एन हो जाएगा, और अगर 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 मतलब यू हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब एन यू होगा, बिल्कुल वी गो विथ डी ऑप्शन, डी इज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, सभी लोगों को समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था डियर। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हुए होंगे। गॉट इट डियर ऑल, अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है डियर सभी बच्चों को, गॉट इट। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन है, और डी आंसर मुझे सबसे पहले दिया है यस सैतन राय गुप्ता जी ने। सो यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर राय गुप्ता जी की तरफ से आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो सो रंजीत जी, फोकस करें डियर, और ज्यादा से ज्यादा सही आंसर देने की कोशिश करें। आंसर सबसे पहले मुझे नहीं चाहिए आपकी तरफ से, मुझे आपकी तरफ से सही आंसर की जरूरत है, और वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे और कोशिश करेंगे आंसर देने की। अंजलि मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं अंजलि जी, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा। अनंत जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। संजू जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं डियर, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा मुझे सेशन में, और आई होप आपको सारी बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है अभी तक की सारी बातें, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी ट्राई करो फटाफट से। समय जो है वो मैं स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से। यहां पर कई रेगुलर बच्चे सेशन में मिसिंग है, बस शेयर कर सकते हैं डियर सेशन, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना। चलो सो यहां पे आंसर सुमन सिरोही, शारदा, सैतन जी, सुमन सिरोही, रंजीत, इंदु जी, अविनाश, पार्वती, आर के पासवान, इंदु, है ना, मिस्टर अनंत कुमार त्रिपाठी, विशाल, आर के पासवान। अच्छा, ए और बी में लोगों को डाउट चली। सो भालू के बच्चे का नाम कब होता है, सो बिल्ली के जो बच्चे का नाम होगा वो 100% किटेन होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। इतना अच्छा और इजी क्वेश्चन था, ए वाज अ करेक्ट आंसर, और ए आंसर मुझे सबसे पहले यहां पर दिया है, मैं चेक कर लेता हूं, यस सुमन सिरोही ने दिया, वेरी नाइस सुमन, बहुत ही बढ़िया। तो पहला एनिमल का नाम था, एनिमल का नाम था, और दूसरा उसके चाइल्ड का नाम था, चाइल्ड नेम, है ना, 100% चाइल्ड नेम, 100%। सो एनिमल का नाम और उसके चाइल्ड का नाम, ये है कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। गॉट इट डियर, समझ में आया, चलो गॉट इट। चलिए अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। डियर विशाल कुमार जी, मेरे तरफ से तो बेटा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, है ना, बफरिंग तो मेरी तरफ से नहीं हो रही है डियर। अगर मैं ध्यान से अगर आपको सेशन दिखाऊं तो यही सेम सेशन मेरे मोबाइल में भी ओपन है, और इट इज विजिबल राइट नाउ, इट्स मीन आई एम वेरी नाइस, है ना, क्लियर है। चलिए ओके, सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है, इसका मतलब आपके साइड से कंसर्न है, पर अपने नेट को सही कर लो। सुमन सिरोही, पार्वती जी, है ना, विशाल जी, है ना, शारदा सोलंकी, बेटा एक बार अपने नेट को सही कर लो डियर, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी ट्राई करो फटाफट से। चलिए ओके, फटाफट से आंसर करो डियर जल्दी जल्दी। एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो। देखो हमारे पास एक वर्ड है वार्डन, ठीक है, और वार्डन वर्ड को मैंने यहां पर एक तरीके से लिखा है एस ई, ध्यान से रीड करेंगे, एस ई एन
एच ओ ए आर, ठीक है। तो जिस तरीके से इसको लिखा है उसी तरीके से एस एस जे एच ए वी आया है। सो किसी से ये आया है, वो जिससे आया है वो आपको बताना है। एक्चुअली में क्या होता था, ए दिया होता था, बी दिया होता था, सी दिया होता था, डी पूछता था, बट यहां डी दिया हुआ है, आपसे सी एलिमेंट पूछ रहा है। तो कनेक्शन को बड़े ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो प्लेस वैल्यू को अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, तो इसका प्लेस वैल्यू 23 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18, इसका 4, इसका 5 है ना, और इसका 14। अगर इसकी बात करोगे तो 19, 5, 14, 8, 1 और 18। ध्यान से नोटिस करो, 23 माइनस 4 19, 1 प्लस 4 5 18 माइनस 4 14, और 4 प्लस 4 8, 5 माइनस 4 1 और 14 प्लस 4 18। सो +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4। सो यही चीज यहां भी होगी, -4 एंड देन +4 एंड देन -4 एंड देन +4 है ना, एंड देन -4 एंड देन +4। अब ध्यान से नोटिस करो, 23 में से 4 घटेगा तो W S आएगा, और अगर फॉर एग्जांपल O में हमने 4 जोड़ा तो S आएगा, और अगर N में 4 घटाया तो J आएगा, और अगर मैंने D में 4 जोड़ा तो H आएगा 100%, है ना, और अगर E में 4 घटाया तो A आएगा, और अगर R में 4 जोड़ेंगे तो V आएगा। सो वंडर इज माई करेक्ट आंसर, यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, सी वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? विशाल, रिंकी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर टू एवरीवन? अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है, बस जल्दी बताइए, फटाफट से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? विशाल जी, मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, एक बार आप चेक करिए डियर। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, सी वॉज परफेक्ट आंसर, और सी आंसर मुझे सबसे पहले दिया है इस क्वेश्चन में इंदु जी ने। यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर इंदु जी की तरफ से आया, वेरी नाइस। सो वेरी गुड डियर ऑल, सभी लोगों को क्लैरिटी है, दैट इज वेरी नाइस। चलिए, बियॉन्ड कंपेशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सो क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। रिंकी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, आप रेगुलर आइए, बहुत फायदा मिलेगा डियर, हम लोग मिलकर बहुत बेहतरीन पढ़ाई करेंगे डियर, है ना। सो रेगुलर आया करो, रोज सुबह 9 बजे रीजनिंग का फैंटास्टिक सेशन, रेगुलर सेशन, है ना। चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं। विशाल जी, आप लोग, आपको डेफिनेटली तरुणा मैम की क्लासेस मिलने लगी हैं 3 बजे, है ना। सो आई होप आप रेगुलर रहेंगे आप चीजों को लेकर, ठीक है। चलिए ओके, सो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो, और भी बहुत सारी चीजें अभी रेगुलर होने वाली हैं, सो प्लीज कीप पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, 100% आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में। चलिए ओके, सो फटाफट से आंसर करो डियर, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करो। सो लेट्स सी कितने लोग के आंसर सही होते हैं। एनपी को 24 लिखा है, सो टीवी को क्या लिखेंगे डियर? ध्यान से सोच के आंसर देना, है ना, को सोच के आंसर देना, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सुमन बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, अब आप चेक कर लीजिए डियर कि डी सही है कि कोई और ऑप्शन सही है डियर, है ना, चेक करने की जरूरत है। देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एनपी को 24 लिखा है बेटा, एनपी को 24 लिखा गया है। सो अगर आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ के बता रहे हैं तो सोचिए, एन का 14 होता है और पी का 16 होता है, 14 और 16 जोड़ेंगे बेटा तो 30 आएगा, बट यहाँ 24 लिखा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का एडिशन नहीं है, गलत सोच रहे थे, सभी लोग गलत सोचने लगे। अब बताइए, एम का अपोजिट लेटर क्या होता है? एन का अपोजिट होता है एम, और एम का अपोजिट एन, तो ये एम हो जाएगा, और इसका अपोजिट के होता है, पी का के होता है, इसका प्लेस वैल्यू 13 और इसका प्लेस वैल्यू 11, 13 प्लस 11 24 होगा, मतलब लेटर्स के अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड की गई है। सो टी का उल्टा जी होता है और वी का उल्टा ई होता है, अपोजिट लेटर, है ना, अपोजिट लेटर, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन, है ना। सो वही हमने यहां किया, जी का 7 और ई का 5, 5 और 7 जोड़ेंगे बेटा तो 12 निकल के आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 12 होगा, यस सी इज अ करेक्ट आंसर। और एनीवन गिवन मी द सी करेक्ट आंसर, किसी ने सी आंसर दिया क्या? सब ने गलत आंसर दिया। बाद में अविनाश कुमार जी ने सही आंसर दिया था, एक लौता अविनाश कुमार था जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया, बाद में शैतन जी,
अनंत कुमार त्रिपाठी, सुमन, शारदा, इंदु, है ना, पार्वती जी, रंजीत जी, है ना, संजू जी, है ना, इन लोगों ने बाद में उनको फॉलो किया। वेरी नाइस हौसला जी। सो यस, देखा जाए लॉजिकली तो जब मैंने बताना स्टार्ट किया था उसके बाद लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया, सो इसका मतलब आंसर काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर अजय सर ने दिया। मैं अपना नाम यहाँ लिखना चाहूंगा, है ना। चलिए, तो कभी तो मेरे को अपना नाम लिखने का मौका मिलता ही है, है ना। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग अंजलि मौर्या बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे करना क्लास कंप्लीट होने के बाद, सभी लोग आंसर देना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू रिंकी बेटा, है ना। चलो, आपने दे दिया था। अब देखो, जब मैंने बताना स्टार्ट किया तो उसके पहले तो आपका आंसर नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, आया होगा तो अच्छी बात है, कीप इट अप, है ना अविनाश जी। चलो फटाफट से आंसर करो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी जल्दी। और समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया फटाफट से। सो कई लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, रंजीत, शारदा, है ना। रंजीत, शारदा, बेटा रंजीत बेटा तुमने दो दो आंसर क्यों दिए? शारदा, सुमन, पार्वती, विशाल, हौसला, सैतन, इंदु, अविनाश, सुमन, रिंकी, अंजलि, आरके, इंदु, कई लोगों ने आंसर दिया है। लेट्स चेक किसका आंसर सही होता है डियर। वैसे समय जो है वो समाप्त होने वाला है, अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो आंसर सेकेंड्स में दे पाएंगे। वैसे हिंदी में तो साफ साफ लिखा हुआ है तो समझ में तो आ ही जाता है, है ना। वैसे अगर मैं डक की बात करता हूँ, सो डक एक एनिमल का नाम है और उसके बाद जो लिखा है उसके बच्चे का नाम लिखा है, मतलब एनिमल और उसके बच्चे का नाम, है ना। एनिमल नेम पहला जो लिखा है वो एनिमल नेम है और दूसरा जो लिखा है वो चाइल्ड नेम है, है ना। चाइल्ड नेम ऑफ दैट एनिमल, उस एनिमल के चाइल्ड का नाम। तो अगर घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े के बच्चे को हम लोग यस ये कहते हैं, COLT। वैसे COLT कई और बच्चों के भी नाम है, तो आपको बताना है कि किटन किन किन एनिमल्स के बच्चों के लिए नाम यूज किए जाते हैं, है ना। जो ये मेमना लिखा है, लैम्ब लिखा है, ये किन बच्चों के लिए यूज किया जाता है, पप्पी किसके लिए यूज किया जाता है, है ना। और ये जो COLT लिखा है ये भी किसके लिए यूज किया जाता है, है ना। सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद, ठीक है डियर। गॉट इट डियर, चलो क्लियर है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। वैसे सी आंसर सबसे पहले किस बच्चे ने दिया था? तो सी आंसर सबसे पहले दिया था शारदा सोलंकी जी ने। सो यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर शारदा जी की तरफ से आया। वेरी नाइस, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए सुमन जी, हाँ डियर, मेरे तरफ से तो आज बफरिंग नहीं है, आई एम सो सॉरी। अगर आपकी तरफ से हो रही है तो शायद नेट का इश्यू होगा सुमन बेटा। मेरे साइड से सब ओके चल रहा है, देखो कमेंट भी आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, आपका भी कमेंट आया लास्ट, है ना। सो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे और अपने नेट को सही करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू डियर रिंकी बेटा, इट्स माई ग्रेट प्लेजर डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। चलिए ओके, सो ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो जल्दी से। इंदु जी फटाफट से आंसर करें जल्दी से। और आई होप आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, सो लाइक भी कर दें जल्दी से फटाफट से, शेयर भी कर दें जल्दी से, है ना। चलिए, तो आई होप आप शेयर कर रहे होंगे, आज 30 प्लस वॉचिंग होनी चाहिए। आई होप आप सभी लोग इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और बेहतरीन सेशन हो आप सभी लोगों के लिए। चलिए फटाफट से शेयर करते रहिए डियर, है ना, शेयरिंग पे रुकिए मत, शेयरिंग ऐसे कीजिए कि डेफिनेटली सारे लोग आ जाएं। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए फटाफट से। चलो, तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, और कई लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है, चेक करते हैं कितने लोग के आंसर सही होते हैं डियर। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो 6 1 2 3 2 को हमने 14 लिखा है, मतलब कैसे लिखा, 6 + 1 7 + 2 9 9 + 3 12 + 2 14, मतलब डिजिट्स को जोड़ के लिख दिया। सो ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, सो 2 + 5 7 + 1 8 8 + 5 13 + 4
है ना। देखो जरा जोड़ना है, दो और पांच सात, दो और पांच हमारा, दो और पांच हमारा सात, सात और एक आठ, आठ और चार बारह, बारह पांच सत्रह, है ना। सो यस इनका जो जोड़ आएगा वो सत्रह आएगा, और सत्रह हमारे पास सी ऑप्शन है। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। यस सी इज अ करेक्ट आंसर। लेट सी कितने लोग के आंसर सही आए डियर। यस सी इज अ करेक्ट आंसर, और सी आंसर जो है सबसे पहले दिया है सुमन सिरोही जी ने। यस इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर सुमन सिरोही जी की तरफ से आया। वेरी नाइस सुमन जी, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर, बस जल्दी से रिप्लाई करो डियर फटाफट से। अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर, अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, बताइए क्लियर हो गए सभी लोगों को। चलिए गॉट इट डियर। चलो कोई बात नहीं पार्वती जी, कोई इश्यू नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि नेट हमारा वीक होता है, इसलिए हमें क्वेश्चन लेट दिखाई देता है, बट आपके आंसर आ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप आंसर नहीं दे पा रहे पहले, सो कोई बात नहीं डियर। हाँ एक काम कर लो डियर, रिफ्रेश कर लो तो शायद आपको लाइव आ जाओ डियर, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से आंसर बनाए जल्दी से क्विकली। चलो रिंकी बेटा बिजी मत होइए, है ना, फोकस कीजिए क्लास पे, है ना, डोंट गो एनीवेयर। रिंकी एंड आर के पासवान जी अगर अभी से चले जाएंगे डियर तो इतना बेहतरीन सेशन आप मिस कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिस करेंगे डियर, सो डोंट गो एनीवेयर। चलो समय यहाँ पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से नोटिस करें। देखो हमारे पास एक वर्ड है एस ए आई एल, और इसको मैंने यहाँ पर लिखा है जे एच डी ओ, ठीक है। सो उसी तरीके से डब्ल्यू डबल ओ डी को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, अगर ध्यान से नोटिस करें तो पक्का हम लोग समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप लॉजिक को समझने जाओगे तो देखो इसका जो प्लेस वैल्यू होता है 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका 9 होता है और इसका 12 होता है। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 10 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 4 होती है और इसकी 15 होती है। अगर ध्यान से नोटिस करो सो 19 माइनस 9 हमारा 10 हो जाएगा, और 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। सो ये ऑड नंबर है, पहले एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस, यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। सो पहले हम लोग 9 घटाएंगे, फिर हम लोग 7 जोड़ेंगे, फिर हम लोग 5 घटाएंगे, और फिर हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो जल्दी से करते हैं डियर। अब मुझे बताइए W में मतलब 23 में अगर 9 घटाओगे तो 14 मतलब N हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 मतलब V हो जाएगा, 15 में 5 घटाओगे 10 मतलब J हो जाएगा, और अगर 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 मतलब G हो जाएगा। सो N V J G इज माई करेक्ट आंसर। यस वी गो विथ डी ऑप्शन। आज की क्लास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था डियर। सो क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल, है ना। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, और डी आंसर से पहले दिया है अविनाश कुमार जी ने। यस इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर अविनाश कुमार जी ने दिया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल, सभी लोगों को समझ में आया। चलो गॉट इट डियर ऑल, अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है डियर। चलो चलिए कोई लेट नहीं आता अविनाश जी, सबसे पहले आप ही का आंसर दिखा मुझे। चलिए ओके सो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट से। थैंक यू आर के पासवान जी, थैंक यू। चलिए सो इस क्वेश्चन का आंसर रंजीत, अविनाश, विशाल, कई लोगों ने दे दिया है, बहुत बढ़िया। आर के पासवान ओके, सैतन राय गुप्ता, शारदा, हौसला, अंजलि मौर्य, वेरी नाइस, इंदु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर ऑल, बहुत बढ़िया। चलो आर के पासवान, अविनाश, इंदु, अच्छा ओके, सुमन, इंदु जी, कई लोगों के आंसर्स आ चुके हैं। वैसे समय जो है वो समाप्त हो चुका है, ध्यान से नोटिस करो। देखो अगर हम लोग बी वाई की बात करते हैं या हम लोग जी टी की बात करते हैं, सॉरी बी वाई की बात करते हैं, बी वाई के बाद यहाँ पर एफ यू लिखा है, बी वाई या एफ यू की बात कर रहे हैं, या हम लोग आई आर की बात कर रहे हैं, या
फिर हम लोग केपी की बात कर रहे हैं, ये सब अपोजिट लेटर्स हैं, ये सब अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही अपोजिट लेटर का पेयर कौन है? जी टी। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, एब्सोल्युटली डी इज अ परफेक्ट आंसर। वेरी नाइस, डी इज अ करेक्ट आंसर। और डी आंसर सबसे पहले यहां पर दिया था मुझे, देख लेता हूं डियर, डी आंसर से पहले किस बच्चे ने दिया डियर, है ना? सो डी आंसर जो सबसे पहले दिया है विशाल, विशाल जी के बाद आर के पासवान, है ना, अंजलि मौर्य, है ना, इन लोगों ने सही आंसर दिया, अविनाश। सो वैसे सबसे पहले जो आंसर सही दिया है ना वो विशाल ने दिया, विशाल जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया। वेरी नाइस विशाल जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मतलब विशाल जी को अपोजिट याद था इसलिए उन्होंने सेकेंड्स में आंसर दे दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिया, आपका आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्विज का तीसरा क्वेश्चन, सभी लोग आंसर जरूर करना, ठीक है? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिया, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से ट्राई करो। देखो आपके पास एक वर्ड है टेम्पल, ठीक है, टी ई एम पी एल ई, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है एस सी जे एल जी वाई, ठीक है। So, उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है एम ओ एस क्यू यू ई, और इसको क्या लिखा जाएगा डियर, है ना? बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। इंदु जी का आंसर आया रंजीत, विशाल, अविनाश, चैतन राय गुप्ता, आर के पासवान, सुमन, हौसला, ओके इतने लोग के आंसर आए डियर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान होगा। देखो इसका प्लेस वैल्यू 20, इसका 5, इसका 13, इसका 16, इसका 12 और इसका 5, है ना? आप 5 भी बोल सकते हैं और 31 भी बोल सकते हैं डियर ई को, है ना? अगर इसकी बात करें तो 19, 3, है ना, 10, 12 और 7 और ये 25। अब अगर ध्यान से नोटिस करो, सो 20 माइनस 1 19, 5 माइनस 2 3, 13 माइनस 3 10, 14 माइनस 4 12 और 12 माइनस 5 7, है ना, और 31 माइनस 6 25। सो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 चल रहा है डियर। सो वही चीज यहां पे भी होगी, पहले माइनस 1 होगी। अब एक बात समझना, ये माइनस 1 होगा, फिर ये माइनस 2, फिर ये माइनस 3, फिर ये माइनस 4, फिर ये माइनस 5 और फिर ये माइनस 6। सो ई माइनस 6 करेंगे तो वाई आएगा, यू माइनस 5 करेंगे सो 21 में से 5 जाएगा, है ना, 21 में से 5 जाएगा तो हमारा 16 मतलब पी हो जाएगा डियर 100%। 17 में से 4 जाएगा तो 13 मतलब एम हो जाएगा, 19 में से 3 जाएगा तो 16 मतलब पी हो जाएगा, और 15 में से 2 जाएगा तो 13 मतलब एम हो जाएगा, और 13 में से 1 जाएगा तो एल हो जाएगा। सो एल एम पी, है ना, एल एम पी एम पी वाई। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, एब्सोल्युटली सी इज अ करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन है, और उस आंसर को सबसे पहले दिया है यस विशाल जी ने। यस, इस क्वेश्चन का भी सबसे पहले सही आंसर विशाल जी की तरफ से आया, फैबुलस वर्क, बहुत ही बढ़िया, है ना? चलो, गॉट इट डियर ऑल, गुड मॉर्निंग तविता राजपूत मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप आज सेशन में थोड़े से लेट हो गए डियर, पर कोई बात नहीं, अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है डियर? सुमन जी क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज डियर ऑल? चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से टीम जल्दी से आंसर कीजिए, कोई बाहर है फटाफट से आंसर करो। फटाफट से जितने भी लोग सेशन में हैं फटाफट से आंसर करें, जल्दी से क्विकली, समय यहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है डियर, फटाफट से आंसर करें। ओके, तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है, अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ूं जरा यहां पर ध्यान से देखूं, तो जो नन होती है ना वो हमारे एक तरीके से कॉन्वेंट में रहती है,
नन जो है वो कॉन्वेंट में रहती है। सो ऐसे ही किंग की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, तो राजा हमारा कहाँ रहता है डियर? यस, महल में रहता है, है ना। जेल में तो नहीं रहता, मठ में तो नहीं रहता, कुटिया में तो नहीं रहता, है ना, महल में रहता है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, सी वॉज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। और इस आंसर सबसे पहले दिया था राय गुप्ता सर ने। यस, राय गुप्ता जी ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इंडिया। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इंडिया। चलो चलिए, बहुत बढ़िया डियर शारदा जी, कोई बात नहीं, नेट का इशू कभी कभी आ जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है, पर हमें क्या प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाना है कि प्रॉब्लम के बारे में सोच के प्रॉब्लम में ही चले जाना है, हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है। और अगर हम सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हम या तो किसी का हॉटस्पॉट ले लेंगे, या अपने नेट को ऑन ऑफ कर लेंगे, या एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा काम कर लेंगे, एक फ्लाइट मोड लगा लेंगे, उसके बाद फ्लाइट मोड हटाएंगे तो नेट अपने आप तेज चलने लगता है डियर। तो कई सोल्यूशंस हैं, है ना। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात आ गई, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। चलिए फटाफट से आंसर करो जल्दी जल्दी। देखो हमारे पास एक वर्ड है पी आर ओ, है ना, पी आर ओ 15, सॉरी पी आर ओ 5, ये लिखा हुआ है पहले, पी आर ओ 5 लिखा है ना, पी आर ओ 5 लिखा है, और उसके बाद हमारे पास लिखा है ओ एस क्यू 15, ठीक है। सो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं एम ए सी 9 किसके लिए लिखा गया है, मतलब यहाँ पर आपके सामने वही बात है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो अब आपके सामने ई पूछ रहा है, एफ दिया हुआ है ना, सोच के बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत प्यारा। चलिए अविनाश जी, बहुत बढ़िया लाइन कही है आपने, प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो इंसान कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। अगर इंसान को सक्सेस हासिल करनी है तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। चलिए ओके, तो समय जो है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है डी। अगर हम ध्यान से नोटिस करें, है ना, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर पी में अगर मैंने एक घटा दिया तो ओ आ जाएगा, आर में अगर एक जोड़ दिया तो एस हो जाएगा, और अगर ओ में दो जोड़ दिया तो क्यू हो जाएगा, और अगर पांच में तीन का इंटू कर दिया तो 15 हो जाएगा। सो इसका मतलब यहां भी -1 हुआ होगा, यहां पर +1 हुआ होगा, यहां पे +2 हुआ होगा, और यहां -3 हुआ होगा। सो किस लेटर में एक घटाओगे तो एम आएगा, किस लेटर में एक घटाओगे तो एम आएगा, यस एन में एक घटाओगे तो एम आएगा, अगर जेड में एक जोड़ोगे तो ए आएगा, और अगर ए में दो जोड़ोगे तो सी आएगा, और अगर तीन में तीन का गुणा करोगे तो 9 आएगा। सो एन जेड ए 3 इज माई करेक्ट आंसर, एन जेड ए 3 ये गलत है, एन ए जेड ए 3 इज माई करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन में हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी वॉज अ परफेक्ट आंसर, बी सही आंसर है, और उस आंसर को सबसे पहले दिया था सुमन सिरोही ने। वेरी नाइस सुमन जी, बहुत ही बढ़िया। सो क्या ये क्वेश्चन क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को क्लियर है? कैसा लगा डियर क्वेश्चन? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? आपके सामने कोई चीज क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे आई तो कैसी लगी डियर? एक बार मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। सो मजा आया इस क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को करके भी मजा आया, क्लैरिटी है? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर, फटाफट से रिप्लाई करो, क्लियर टू एवरीवन, है ना। एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए, फटाफट से मैसेज कीजिए, हाउ वॉज द क्लास, क्लास कैसी लग रही है, क्लास में आने वाले सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और स्पेशली मैं कैसा लग रहा हूं आप लोग को, है ना। आई होप आप लोग अच्छा ही कहेंगे मेरे बारे में। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें जल्दी से, फटाफट से जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। थैंक यू तविता जी, थैंक यू डियर, थैंक यू हौसला जी। चलिए तो आंसर भी दे रहे हैं लोग और कमेंट भी कर रहे हैं। आर के पासवान जी थैंक यू, अविनाश जी अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोग कह रहे हैं, गजब, बेहतरीन, है ना, बेस्ट। तो ये सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगता है डियर।
चलो तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर चाहिए डियर। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 की, सो 19 का जो आंसर है ना वो कई लोगों ने दिया है, मैं चेक कर लेता हूं किसका आंसर सबसे पहले आया है डियर। 19 का जो सही आंसर है वो यस सी ऑप्शन है, और वो आंसर मुझे सबसे पहले मिला है सुमन सिरोही जी की तरफ से। यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर सुमन जी की तरफ से आया, वेरी नाइस सुमन जी, बहुत बढ़िया। अगर बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ली का जो पैर का हिस्सा होता है उसे हम लोग पंजा कहते हैं, है ना। सो वैसे ही कौवे की बात करते हैं तो कौवे के पैर के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजा ही बोलते हैं, बट उसका नाम है CLAW, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। वैसे ये जो बाकी जो लिखे हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं वो भी आपको मुझे बताना है, है ना। चलिए शारदा जी, इट्स माय ग्रेट प्लेजर डियर, यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, गॉट इट डियर। ऑल आर के पासवान, संजू जी, क्लियर है बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा सी होगा, क्लियर टू एवरीवन। चलो ओके, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं क्विज का चौथा क्वेश्चन। क्लास कंप्लीट होने के बाद इन सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए डियर, है ना। अच्छा थैंक यू डियर पार्वती जी, इट्स माय ग्रेट प्लेजर डियर, है ना। चलिए सैतन जी, बफरिंग तो नहीं हो रही है मेरे साइड से, हाँ मेरे साइड से सब कुछ ओके चल रहा है। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जब बफरिंग बोल देते हैं तो इसका मतलब सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम है, बट मेरे साइड से सब ओके है डियर। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सैतन जी को बताइए सर की तरफ से कोई इशू नहीं है, आप एक बार नेट को सही कर लें डियर अपना, ठीक है। चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए चलिए कोई बात नहीं सैतन जी, कभी कभी क्या होता है हमारा जो नेट होता है ना वो फ्लैक्चुएट करता है, जब फ्लैक्चुएट करता है तो आने वाली जो स्पीड होती है उसके हिसाब से हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हमारा मोबाइल जो है वो थोड़ा सा हैंग या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा नेट रुक जाता है, सारी चीजें होती हैं लाइफ में। चलिए तो CD, 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 B, है ना, कई आंसर लोग दे रहे हैं डियर, सो चेक कर लीजिए डियर, है ना। कोई जल्दी नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में, कोई भी जल्दी नहीं है डियर, है ना। चलिए राहुल कुमार मिश्रा सेशन में नहीं है, कविता जी फटाफट से आंसर करो डियर जल्दी से। सो आई वॉन्ट सही आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगर हम लोग रेसलिंग की बात करते हैं तो रेसलिंग जो होती है ना उसका एक स्पेस होता है जहां खेला जाता है, उसे हम लोग अखाड़ा कहते हैं, अरीना कहते हैं, है ना। कुश्ती अखाड़े में खेली जाती है, अखाड़े में लड़ी जाती है। सो आइस स्केटिंग जो है उसके खेलने के मैदान को रिंक कहा जाता है, ये खेल का ग्राउंड है, मतलब जहां खेला जाता है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब डी ऑप्शन है, और डी आंसर मुझे सबसे पहले मिला था यस शारदा सोलंकी जी की तरफ से, शारदा जी की तरफ से सबसे पहले सही आंसर मिला, शारदा जी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सो यस, डी इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर टू एवरीवन, सभी लोग क्लियर है डियर। चलो सुमन जी क्लियर है, इंदु जी क्लियर है, फटाफट से जाइए, कविता जी क्लियर है, एवरीवन गॉट द क्लैरिटी, अभी सबको क्लियर है, चलो ठीक है डियर ओके। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से आंसर चाहिए, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से, जल्दी से आंसर बनाओ फटाफट से। यस पार्वती जी आपकी बहन है तो सारे गुण तो आपके आए होंगे 100%, तो आप बेस्ट हैं तो आपकी बहन भी बेस्ट होंगी, है ना। चलिए वेरी नाइस, सुमन, आर के पासवान, इंदु, शारदा, पार्वती, तविता, हौसला, वेरी नाइस, विशाल, अंजलि, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर, वैसे है ना, वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, देखो टू ड्राइव टू कंक्लूड एक ही बात है ना, एक तरीके से निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना। सो टू ड्राइव भी बोल सकते हैं, टू कंक्लूड भी बोल सकते हैं, मतलब सेम मीनिंग है ना, सेम मीनिंग है इनकी, सेम अर्थ है इन दोनों का, सेम मतलब है डियर, इन दोनों का सेम ही मतलब है। सो यहां पर लिखा हुआ था टू अपील, मतलब एक तरीके से गुहार लगाना, अपील करना। सो अपील करने को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, है ना, अपील, रिक्वेस्ट, है ना। प्रोटेस्टो धरना देने को कहते हैं, है ना, बाधा डालना ऑब्स्ट्रैक्ट अलग चीज हो गई, ब्लेम देना, दोष लगाना अलग चीज हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन, क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल, बी इज अ करेक्ट आंसर, और बी आंसर से पहले दिया है सुमन सिरोही जी ने, वेरी नाइस सुमन जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। संजू जी सेशन कैसा लग रहा है डियर,
अंजलि मौर्य जी, सेशन कैसा लग रहा है डियर? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा सेशन, है ना। चलिए, राम मिलान जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं राम जी आप? चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट से जाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से ट्राई करो। तो यहां पर सुमन जी, शारदा जी, आर के पासवान, अविनाश, पार्वती, सैतन जी, तविता जी, विशाल जी, इंदु जी, अच्छा इतने लोगों के आंसर्स दिख रहे हैं मुझे, हौसला जी, है ना। फटाफट से बाकी लोग भी करें जल्दी से। फटाफट से बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करें डीए, जल्दी से। चलिए बिल्कुल, बी इज अ करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, और बी आंसर सबसे पहले दिया है सुमन सिरोही जी ने। यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर सुमन जी की तरफ से आया, बिल्कुल। आर्टिस्ट जो होता है उसको हम लोग पेंट करने को ही बोल सकते हैं, पेंट करने वाले को हम लोग आर्टिस्ट बोलेंगे, वो आर्टिस्ट का काम करते हैं, है ना। आर्टिस्ट पेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सो वैसे मोची जो होता है ना, वो डेफिनेटली सूज को फिक्स करता है, सही करता है, जूतों की मरम्मत करना, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन, बी वॉज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरी वन? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, ठीक है। चलिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। सो यहां पर इंदु जी, तविता जी, है ना, अविनाश जी, इतने लोगों के मुझे आंसर दिख रहे हैं डीआर, हौसला जी, शारदा जी, है ना। सभी लोग जल्दी जल्दी करें। देखो, इंडिया को यहाँ पर कोड करके लिखा है, इंडिया एक वर्ड है और उसको यहाँ पर लिखा है FOKAFOX, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड है मलेशिया, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। सो अगर मुझे प्लेस वैल्यू याद होगी तो मैं पक्का ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में कर लूंगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 9, 14, 4, 9, और इसको 27 भी बोल सकते हैं और 1 भी बोल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं, है ना भाई। जेड के बाद यही तो आता है 27 नंबर पे, 28 नंबर भी आता है डी, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसका 11, इसका 1, ये 27 जरूरत पड़ने के, इसका 6 और इसका 24। अब ध्यान से देखो, 9 - 3 = 6, 14 - 3 = 11, 4 - 3 = 1, 9 - 3 = 6 और 27 - 3 = 24। सो -3 - 3 - 3 चल रहा है। सो बताइए जल्दी से, m - 3 क्या हो जाएगा, j, अच्छा a - 3 क्या हो जाएगा, x, l - 3 क्या हो जाएगा, i, अच्छा a - 3 क्या हो जाएगा, x, y - 3 क्या हो जाएगा, v, 100%, और s - 3 क्या हो जाएगा, p, i - 3 क्या हो जाएगा, f, और a - 3 क्या हो जाएगा, x। दिस इज माई करेक्ट आंसर। सो j, x, i, x, है ना, ध्यान से देखो जरा, v, p, f, x, है ना। यस, j, x, i, x, v, p, f, x, यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल। 24 में सही आंसर ए ऑप्शन, 24 का सही जवाब ए ऑप्शन होगा, और ए आंसर से पहले दिया है इस क्वेश्चन में तविता राजपूत मैम ने, वेरी नाइस तविता जी। तविता जी, अभी सब कुछ सही है डियर, आप कल हॉस्पिटल जा रहे थे, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, अभी तक सारी चीजें सही है डीआर, और सेशन कैसा लग रहा है डीआर, बस जल्दी से बताइए। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डीआर ऑल? चलिए बताइए, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिए, है ना, चलिए ओके। सो आगे बढ़ते हैं डीआर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डीआर। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है ना, क्विज का पांचवा क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए डियर, क्लास कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। चलो अविनाश जी, ये जो रूम है ना, ये बिल्कुल पैक है, यहां पे कोई हवा बाहर से अंदर आती नहीं, जब कोई चीज बाहर से अंदर आती नहीं तो ठंड कहां से आ जाएगी डियर, है ना, इसलिए मैं टी शर्ट पे हूं, ठीक है। तो स्टूडियो रूम ऐसे ही होते हैं, वहां ठंड नहीं लगती डियर, वहां थोड़ी सी भी गर्मी हो तो ऐसे चलाना पड़ता है डियर, ठीक है। चलिए फटाफट से,
आरके पासवान, शारदा, आरके सुमन, विशाल, पार्वती, सैतन जी, तविता जी, इंदु जी, हौसला जी, राम मिलान, आरके पासवान, कई लोगों ने आंसर दे दिया है। वैसे समय जो है वो समाप्त होने वाला है डिया। चलो आरके पासवान जी, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना डिया। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं डिया, बिल्कुल बी इज अ करेक्ट आंसर, और उस आंसर को सबसे पहले दिया है यश शारदा सोलंकी जी ने। यस, इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया शारदा जी ने। वेरी नाइस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आह और शोक एक ही वर्ड है, मतलब इनको हम लोग बोलेंगे सेम मीनिंग। आह मतलब निकालना, शोक बताना, मतलब एक तरीके से सेम मीनिंग है। ये दोनों का जो अर्थ है ना वो एक ही है, एक ही मतलब है दोनों के, है ना। तो जब इन दोनों के एक ही मतलब है तो इस ब्यूटी वर्ड का भी जो मतलब होगा सेम होना चाहिए। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्यूटी को शो कर रहा है, उसकी जैसे सेम मीनिंग दिखा रहा है, जल्दी से बताइए। यस आकर्षण, चाम, बिल्कुल। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है सारे बच्चों को? यस, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब बी ऑप्शन, क्लियर है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं डियर, सभी लोगों को क्लियरिटी है ना। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं डियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से आंसर करें जल्दी से। चलो अविनाश जी, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड पूरे भारत में है डियर, शीतलहर चल रहा है डियर, बिल्कुल बच के रहें, घर में रहें, कपड़े पहन के निकले। चलिए एटलीस्ट 2-3 कपड़े तो जरूर पहने, एक इनर एक स्वेटर पक्का पहने। चलिए ओके फटाफट से आंसर करो डी जल्दी से। चलो समय जो है वो यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। अगर मैं बात करता हूं डियर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में, सो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन है, और उस आंसर को सबसे पहले दिया है पार्वती मैम ने। यस पार्वती जी का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था, सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो पार्वती सोलंकी मैम ने दिया, बिल्कुल, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो अगर हम लालसा की बात करते हैं, तरसने की बात करते हैं तो सेम मीनिंग है डियर। अगर इन दोनों का सेम अर्थ है, सेम मीनिंग है, सो जल्दबाजी मतलब एक तरीके से चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करना, है ना। सो तत्परता, जल्दबाजी, ये शो करता है एक ही मतलब। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, क्लियर हो गया, गॉट इट डियर ऑल। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो फटाफट से, चलो तो समय यहां पर सुमन जी ने सबसे पहले आंसर दिया, विशाल, सुमन, अविनाश, है ना, यस, पार्वती जी, तविता जी, है ना, शारदा जी, सैतन जी, आर के पासवान, इंदु, हौसला, वेरी नाइस। चलो समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर, और इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया है यस सुमन सिरोही जी ने। यस इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया सुमन जी ने, वेरी नाइस। भाई देखो अगर आप पैडल की बात करते हो ना, तो पैडल आप साइकिल में मारते हो, बाइसाइकिल में मारते हो, वैसे चप्पू की बात करते हो तो वो नाव में मारते हैं हम लोग, है ना, और उसे हम लोग एक तरीके से कैनोई भी बोलते हैं, डोगी भी बोलते हैं। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन, डी वॉज अ करेक्ट आंसर, क्लियर टू एवरीवन, डी इज अ करेक्ट आंसर, सबसे पहले सुमन सिरोही ने आंसर दिया, वेरी नाइस दिया, है ना। आर के पासवान जी चप्पू एक मतलब चलाने के लिए यूज करते हैं, जैसे आप नाव को ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे चलाते हैं ना, उसे चप्पू कहते हैं डियर, इसे चप्पू कहते हैं जो नाव को ऐसे इधर से इधर, पानी को इधर से उधर करता है डियर, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से आंसर करो। चलो फटाफट से आंसर करो जल्दी से, सिंगल भी चला सकते हैं डियर विशाल जी, पेयर में चलाएं जरूरी नहीं है डियर। चलो तो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, और कई लोगों के आंसर्स आ गए। सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो यस सुमन जी की तरफ से है, वेरी नाइस सुमन जी, बहुत बढ़िया। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, और सबसे पहले सुमन ने दिया, बहुत बढ़िया। जैसे पेंसिल में लीड होती है लिखने के लिए, वैसे ही पेन में इंक होता है लिखने के लिए। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं थी आई होप, है ना। चलिए ओके वेरी नाइस, चलिए क्विज का छठा क्वेश्चन, क्लास कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए डियर, सभी लोग करना, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करो जल्दी से।
फटाफट से आंसर करो डियर जल्दी से। सुमन, इंदु, विशाल, पार्वती, आरके पासवान, शारदा, हौसला जी, अच्छा सैतन जी, रंजीत जी, आपके आंसर्स नहीं आ रहे बेटा, आंसर्स नहीं आ रहे बेटा। रंजीत, वेयर आर यू डियर? सुमन जी का आंसर आ गया वेरी नाइस, सैतन राय गुप्ता जी का आंसर आ गया वेरी गुड, आरके पासवान जी का आंसर आ गया वेरी नाइस। चलो तो समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर, चलो समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करेंगे। सो प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं हम लोग, वैसे ही बिजली को मेजर करने के लिए हम लोग यस मल्टीमीटर का यूज करेंगे। वैसे मल्टीमीटर जो होता है कई चीजों को मैनेज करता है डियर, कई चीजों को मेजर करता है ना। तो वैसे आपको बताना है बोरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, ऑडियोमीटर किसके लिए करते हैं, है ना ये किसके लिए यूज करते हैं, मतलब आपको सारी चीजों के बारे में बताना है, ठीक है। क्लास कंप्लीट होने के बाद बताना ही बताना है। अमीटर भी सही है डियर, बट मल्टीमीटर भी सही आंसर है, ठीक है विशाल जी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, गॉट इट डियर ऑल। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, और सी आंसर जो है वो मुझे सबसे पहले मिला था आर के पासवान जी की तरफ से। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब आर के पासवान जी की तरफ से आया था, वेरी नाइस आर के पासवान जी, वेरी गुड। सो क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चों को क्लियरिटी के साथ क्लियर हो गया? शारदा जी क्लियर है? विशाल कुमार जी क्लियर हो गया? गॉट इट डियर ऑल? जल्दी से रिप्लाई करो डियर फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? मल्टीमीटर जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत सारी चीजें मेजर करता है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी मेजर कर सकता है ना। चलो सैतन जी बिल्कुल हो सकता है डियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मीटर होते हैं डियर मेजर करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर कीजिए, समय स्टार्ट कर दिया है, क्विकली ट्राई करें। थैंक यू पार्वती जी, इट्स माय ग्रेट प्लेजर, कल की क्लास और शानदार होने वाली है डियर। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो डियर फटाफट से। चलिए तो समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, तो सेंटर एंड फोकस है ना डियर, सेम मीनिंग है, सेंटर एंड फोकस सेम मीनिंग है ना, सेम अर्थ है डियर, है ना, सेम मीनिंग है। सो ऐसे ही पादरी की बात करेंगे तो हम लोग उसे पुजारी भी बोल सकते हैं, है ना, प्रेस भी बोल सकते हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, सी वाज अ परफेक्ट आंसर, और सी आंसर से पहले दिया था शारदा जी ने, वेरी नाइस शारदा जी, बहुत बढ़िया। सो डियर आई होप आपके आज सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज मैंने क्विज के लिए आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे डियर, क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर करेंगे डियर। तो सेशन कैसा लगा डियर, आप फीडबैक जरूर दीजिए। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अभी कल का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कल हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोग उसको अटेंड करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर करेंगे। जितना अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर बेहतरीन टेस्ट है कल, सो डोंट मिस दैट टेस्ट। कल एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट होगा डियर आप लोगों का, और मंडे के दिन हम लोग बहुत बेहतरीन एनालॉजी के पार्ट 3 को डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे डियर। सो डोंट मिस माय एनी सेशन। तो आप लोग एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा डियर। एंड हो गया आरके पासवान जी, समय का आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला, बट 1 घंटे हो चुके हैं डियर, है ना, और मेरे पास सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए डियर। मैंने 1 घंटे के हिसाब से लेके आया था डियर सारी बातें। सो ओके, तो सेशन कैसा लगा डियर बस जरूर बताइएगा। समय का पता नहीं चलता आपके साथ यहां पर, है ना, डेफिनेटली आपको भी पता नहीं चलता होगा डियर, है ना। चले सो थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर, मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में, है ना। बिल्कुल टॉपिक वाइज आप वो टॉपिक फिर से स्टार्ट करिएगा। आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं सुमन जी, एक बार आप मुझे बता दें टॉपिक। सुमन जी आप कौन से 4 टॉपिक की बात कर रहे हैं डियर? कौन से कल बता दें, बिल्कुल बता दीजिएगा डियर, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा डियर क्लास कंप्लीट होने के बाद। मैं डेफिनेटली उनको भी डिस्कस कर लूंगा डियर, है ना। वैसे इस सिलेबस में क्लॉक मेंशन नहीं था, वो भी डिस्कस करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी मेंशन नहीं थी, वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। सो जो जो आपको और रिक्वायर्ड है उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और भी क्लासेस उनके लिए लेके आएंगे डियर, ठीक है। चलिए ओके, सो थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बहुत शानदार सेशन में कल, ठीक है। तो डोंट मिस माय टुमारो सेशन, है ना। सो थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर,
खुश रहिए, माँ आपको खुश रखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर आपके पास फोकस है तो आप सफलता बहुत जल्दी पाएंगे, ठीक है। सो विशाल जी, DI की भी क्लासेस होंगी, डोंट टेक टेंशन, बहुत जल्दी आपको मैथ्स की रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। ओके, सो थैंक यू डियर, टेक केयर।